दिया है यूट्यूब चैनल। आज के लेक्चर में हम कंकरेंसी कंट्रोल करेंगे, पर उससे पहले कंकरेंसी कंट्रोल क्या होता है? एक्चुअली कंकरेंसी कंट्रोल होता है कि ट्रांजैक्शन जिसमें साइमल्टेनियसली अकर होती है, मतलब साइमल्टेनियसली कोई भी ट्रांजैक्शन अगर फॉलो करती है तो हम उन्हें उसे बोलते हैं कंकरेंसी कंट्रोल। बहुत सारे चैनल ट्रांजैक्शन को एक साथ होना, तो लेकिन ट्रांजैक्शन होता क्या है उसके बारे में हमें पहले पढ़ना पड़ेगा। व्हाट इज ट्रांजैक्शन? ट्रांजैक्शन इज अ सेट ऑफ लॉजिकली रिलेटेड ऑपरेशंस, इट कंटेन्स अ ग्रुप ऑफ टास्क। ट्रांजैक्शन क्या है? बहुत सारे एक सेट है बहुत सारे लॉजिकली रिलेटेड ऑपरेशन का, ये कंटेन करता है टास्क का ग्रुप। अ ट्रांजैक्शन इज एन एक्शन और सीरीज ऑफ एक्शन, इट इज परफॉर्म बाय अ सिंगल यूजर टू परफॉर्म ऑपरेशन फॉर एक्सेसिंग द कंटेंट्स ऑफ द डेटाबेस। एक ट्रांजैक्शन एक एक्शन है या उन एक्शन की सीरीज है जो परफॉर्म की जाती है एक सिंगल यूजर के थ्रू, जिससे वो ऑपरेशन परफॉर्म करे डेटाबेस के कंटेंट को एक्सेस कर लेगा। ठीक, एग्जाम्पल पढ़ लेते हैं हम। सपोज एन एम्प्लॉय ऑफ बैंक ट्रांसफर्स रूपीज 800 फ्रॉम एक्सिस अकाउंट टू वाइस अकाउंट। दिस स्मॉल ट्रांजेक्शन कंटेन सेवरल लो लेवल टास्क। सपोज एक एम्प्लॉय या बैंकर जो ट्रांसफर करता है 800 रूपए एक्स के अकाउंट से वाई के अकाउंट। अब ये बहुत छोटी सी ट्रांजेक्शन है देखा जाए तो, सिर्फ उसने पैसे ट्रांसफर किया और हो गए, पर इसी ट्रांजेक्शन में बहुत सारे छोटे छोटे लो लेवल टास्क इंक्लूडेड होते हैं। क्या क्या इंक्लूडेड होते हैं? सपोज जो ट्रांसफर कर रहा है वह एक्स का अकाउंट, तो इसमें पहला स्टेप होगा ओपन अकाउंट एक्स की, वो अपना अकाउंट खोलेगा। सेकेंड स्टेप होगा ओल्ड बैलेंस इज इक्वल टू एक्स बैलेंस। सपोज अभी पैसे ट्रांसफर करने से पहले उसमें उसका जो बैलेंस था उसे मैंने ओल्ड बैलेंस की वैल्यू दे दी, ठीक है, उस एक्स की बैलेंस को मैंने वैल्यू दी कि वो ओल्ड बैलेंस है। थर्ड स्टेप होगा न्यू बैलेंस इज इक्वल टू ओल्ड बैलेंस माइनस 800। अब थर्ड स्टेप में क्या होगा कि जो पुराना इसका बैलेंस था उसमें से अब 800 तो कम हो गए, अब पैसे ट्रांसफर करने के बाद जो अब जो वैल्यू अमाउंट बची है वो न्यू बैलेंस में मैंने वैल्यू डाल दी। फिर फोर्थ स्टेप क्या होगा? फोर्थ स्टेप होगा कि एक्स का बैलेंस इज इक्वल टू न्यू बैलेंस। अब न्यू बैलेंस क्या है? जो पुरानी वैल्यू थी उससे 800 कम होके वो वैल्यू होगी न्यू बैलेंस में। अब ओल्ड बैलेंस क्या आ गया? अब वही वैल्यू किसमें आ गई? उसके एक्स के बैलेंस में अपडेटेड बैलेंस। फिफ्थ स्टेप होगा क्लोज अकाउंट, अब एक्स अपना अकाउंट क्लोज कर देगा। ठीक, तो ये छोटे छोटे स्टेप से एक ये जो सिर्फ एक्स के अकाउंट में होंगे। अब वाई के अकाउंट में जो लोन लेवल टास्क होंगे वो क्या होंगे? पहला टास्क होगा ओपन अकाउंट वाई, सबसे पहले वाई अपना अकाउंट खोलेगा। सेकंड स्टेप होगा ओल्ड बैलेंस इज इक्वल टू वाई बैलेंस, मतलब वाई का जो बैलेंस है वो ओल्ड बैलेंस में अभी जो प्रेजेंटली पैसे उसके अकाउंट में आए क्रेडिट हुए उससे पहले जो बैलेंस था उसका वो ओल्ड बैलेंस का नाम दे देंगे हम उसे। थर्ड स्टेप है न्यू बैलेंस। न्यू बैलेंस क्या होगा? ओल्ड बैलेंस प्लस 800, पुराना जो बैलेंस था उसका, ठीक, उसमें अब 800 आ गए, 800 एक्स एड होकर जो उसका बैलेंस बना उसे हम बोल देंगे कि न्यू बैलेंस की वैल्यू है ये वाई की। नाउ फोर्थ स्टेप होगा वाई बैलेंस इज इक्वल टू न्यू बैलेंस। अब फिफ्थ स्टेप होगा क्लोज अकाउंट वाई, कि अब वाई अपना अकाउंट क्लोज कर लेगा। ऑपरेशन ऑफ ट्रांजेक्शन, क्या क्या ऑपरेशन होते हैं ट्रांजेक्शन में? फॉलोइंग आर द मेन ऑपरेशन ऑफ ट्रांजेक्शन। रीड एक्स, सबसे पहला ये कुछ ऑपरेशन है जो किसी भी ट्रांजेक्शन में अप्लाई होता है। पहला हो गया रीड एक्स, दूसरा हो गया राइट एक्स। रीड एक्स का मतलब होता है कि रीड ऑपरेशन इज यूज टू रीड द वैल्यू ऑफ एक्स फ्रॉम द डेटाबेस एंड स्टोर्स इट इन अ बफर इन मेन मेमोरी। रीड एक्स ऑपरेशन क्या करता है? ये वैल्यू एक्स की वैल्यू रीड करेगा डेटाबेस में से और उसे स्टोर करेगा मेमोरी मेन मेमोरी के बफर में। राइट एक्स में क्या होगा? राइट ऑपरेशन इज यूज टू राइट द वैल्यू बैक टू द डेटाबेस फ्रॉम द बफर। अब राइट ऑपरेशन क्या करेगा? जो डेटाबेस में वैल्यू रीड की गई है बफर में से उसे वापस राइट करेगा डेटाबेस में। लेट्स टेक एन एग्जांपल टू डेबिट ट्रांजैक्शन फ्रॉम एन अकाउंट व्हिच कंसिस्ट्स ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेशंस। एक एग्जांपल पढ़ते हैं जिसमें एक डेबिट ट्रांजैक्शन हो रही किसी अकाउंट में से, उनमें से एक ये सारे तीन ऑपरेशन परफॉर्म हो रहे हैं। फर्स्ट इज रीड एक्स, सेकेंड इज एक्स इक्वल टू एक्स माइनस 500, थर्ड इज राइट एक्स। मतलब सबसे पहले रीड करेंगे एक्स का बैलेंस क्या है,
डेबिट होने के बाद उसे हम मेन मेमोरी के बफर में राइट करेंगे। सपोज एक एग्जांपल पढ़ते हैं हम, एक सपोज हम एक्स की वैल्यू जिसकी ट्रांजैक्शन अकाउंट में थी वो 4000 रुपीज थी। लेट्स अज्यूम दैट द वैल्यू ऑफ एक्स बिफोर स्टार्टिंग ऑफ द ट्रांजैक्शन इज 4000। द फर्स्ट ऑपरेशन रीड्स एक्सेस वैल्यू फ्रॉम डेटाबेस एंड स्टोर्स इट इन अ बफर। अब सबसे सपोज अगर एक्स की वैल्यू आपके खाते में 4000 रुपीज थे, सबसे पहला ऑपरेशन क्या होगा कि हम रीड करेंगे एक्स की वैल्यू डेटाबेस से और उसे बफर में स्टोर करेंगे। सेकंड स्टेप क्या होगा, द सेकंड ऑपरेशन विल डिक्रीज द वैल्यू ऑफ एक्स बाय 500, सो बफर विल कंटेन 3500। सेकंड ऑपरेशन में हम 500 रुपीज क्योंकि डेबिट हो चुके हैं तो हम उसे अपडेट करेंगे 4000 के बजाय अब हम बफर में 3500 वैल्यूज स्टोर करेंगे। थर्ड ऑपरेशन क्या होगा, थर्ड ऑपरेशन विल राइट द बफर्स वैल्यू टू द डेटाबेस, सो एक्स इज फाइनल वैल्यू विल बी 3500। थर्ड ऑपरेशन में हम बफर की वैल्यू डेटाबेस में राइट करेंगे तो एक्स की अब वैल्यू जो होगी फाइनल होगी 3500। बट इट मे बी पॉसिबल दैट बिकॉज ऑफ द फेलियर ऑफ हार्डवेयर सॉफ्टवेयर ऑफ पावर एक्सेट्रा दैट ट्रांजेक्शन मे फेल बिफोर फिनिश ऑल द ऑपरेशन इन द सेट। बट इट इज ऑल्सो पॉसिबल, ऐसे भी पॉसिबल हो सकता है कि अगर हार्डवेयर में कुछ फेलियर हो जाए या सॉफ्टवेयर में कोई फेलियर हो जाए या पावर फेलियर हो जाए तो उस वजह से ट्रांजेक्शन फिनिश होने से पहले ही फेल हो जाए और सारे ऑपरेशन भी फेल हो जाएंगे हमारे सेट में। फॉर एग्जाम्पल इफ इन द अबव ट्रांजेक्शन द डेबिट ट्रांजेक्शन फेल्स आफ्टर एग्जीक्यूटिंग ऑपरेशन टू देन एक्सेस वैल्यू विल रिमेन 4000 इन डेटाबेस व्हिच इज नॉट एक्सेप्टेबल बाय द बैंक। सपोज डेबिट ट्रांजेक्शन से फर्स्ट स्टेप में क्या किया था हमने, एक्स की वैल्यू रीड कर ली थी डेटाबेस में से, ठीक है, फिर हमने इसे स्टोर कर दिया था बफर में, राइट। अब सेकेंड स्टेप में क्या किया था, सेकेंड स्टेप में हमने उसकी वैल्यू रीड कर दी थी 3500 रुपीज है, राइट। अब थर्ड ऑपरेशन में सपोज हम जब उसके अपडेट करने वाले हैं बफर में 3500 रुपीज उसी टाइम पे फेलियर हो जाए, सिस्टम शटडाउन हो जाए तो हमारी क्या वैल्यू अपडेटेड 4000 ही रहेगी, गलत रहेगी, तो ये चीज एक्सेप्टेबल नहीं होगी। अब इस प्रॉब्लम को सॉल्व, ये हमारी प्रॉब्लम हो जाएगी। अब इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए दो इंपॉर्टेंट ऑपरेशन होते हैं, टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम वी हैव टू इंपॉर्टेंट ऑपरेशन। फर्स्ट इज कमिट, इट इज यूज टू चेंज द वर्क डन परमानेंटली। कमिट क्या होता है, सबसे पहले हम जब भी हम कोई चेंजेस करेंगे इसे मैन टू मैन हम कमिट कर देंगे, मतलब जो भी हमने चेंजेस किए हैं जो भी हमने वर्क किया है उसे हम परमानेंटली सेव करने के लिए कमिट यूज करते हैं। सेकेंड इज रोल बैक, इट इज यूज टू अंडू द वर्क डन, मतलब जो हमने वर्क कर दिया है ये गलत हो गया है उसे तो हम उसे अंडू भी कर सकते हैं रोल बैक की हेल्प से, ठीक है। तो ये तो आपकी हो गई ट्रांजेक्शन में जो जो ऑपरेशन होते हैं। अब हम आते हैं अपने मेन टॉपिक पे जो कि है कंकरेंसी कंट्रोल। कंकरेंसी कंट्रोल क्या होता है, इन द कंकरेंसी कंट्रोल द मल्टीपल ट्रांजेक्शन कैन बी एग्जीक्यूटेड साइमल्टेनियसली। कंकरेंसी कंट्रोल में क्या होता है, बहुत सारे मल्टीपल ट्रांजेक्शन एक टाइम में साइमल्टेनियसली एग्जीक्यूट की जा सकती है। सेकेंड इसकी टर्म में इट मे अफेक्ट द ट्रांजेक्शन रिजल्ट, इट इज हाईली इंपॉर्टेंट टू मेंटेन द ऑर्डर ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ दोस ट्रांजेक्शन। अब मल्टीपल ट्रांजेक्शन क्या होती है, ट्रांजेक्शन कुछ भी हो सकती है कि पैसे ट्रांसफर होना पैसे डेबिट होना, तो ऐसी बहुत सारी ट्रांजेक्शन अगर एक टाइम में की जाए तो उस प्रोसेस को हम बोलेंगे कंकरेंसी कंट्रोल। पर अगर हम कंकरेंसी सपोज बहुत सारे ट्रांजेक्शन एक साथ कर रहे हैं तो जो कभी कभी ऐसा होता है कि रिजल्ट पे इफेक्ट पड़ सकता है, तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम ये जो मल्टीपल ट्रांजेक्शन साइमल्टेनियसली कर रहे हैं हम एक ऑर्डर में करें, एक सीक्वेंस में करें, तो ये हाईली इंपॉर्टेंट है कि हम उन ट्रांजेक्शन के एग्जीक्यूशन के ऑर्डर को मेंटेन करें। प्रॉब्लम्स ऑफ कंकरेंसी कंट्रोल, क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस करते हैं कंकरेंसी कंट्रोल में, सेवरल प्रॉब्लम्स कैन अकर व्हेन कंकरेंट ट्रांजैक्शंस आर एग्जीक्यूटेड इन एन अनकंट्रोल्ड मैनर फॉलोइंग आर द थ्री प्रॉब्लम्स इन कंकरेंसी कंट्रोल। बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं जो हो सकती है कंकरेंट ट्रांजैक्शंस में अगर उन्हें एग्जीक्यूट किया जाए अनकंट्रोलेबल मैनर में। ये तीन प्रॉब्लम्स हैं कंकरेंसी कंट्रोल की, पहली है लॉस अपडेट्स, सेकेंड इज डर्टी रीड, थर्ड इज अनरिपीटेबल रीड। पहला है कि लॉस्ट अपडेट, सेकेंड हो सकता है थर्ड
एग्जाम्पल है, इसको एग्जाम्पल से समझते हैं. हियर एट टाइम टी टू ट्रांजेक्शन एस रीड्स ए वैल्यू, एट टाइम टी थ्री ट्रांजेक्शन वाई रीड्स एज वैल्यू, एट टाइम टी फोर ट्रांजेक्शन एक्स राइट्स एज वैल्यू ऑन द बेसिस ऑफ द वैल्यू सीन एट टाइम टी टू, एट टाइम टी फाइव ट्रांजेक्शन वाई राइट्स एज वैल्यू टाइम टी फोर में ट्रांजेक्शन वाई ने रोल बैक कर दिया, मतलब अपनी ओरिजिनल वैल्यू को चला.